बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है, मेरठ यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। तो जितने भी यूपी के आल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात करने वाला हूँ जो 2023 में पेपर देने वाले हैं वो याद रख ले मेरी बात को, क्योंकि ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जूलॉजी का है। और आगे आप 2023 में या फिर 2024 में या 2025 में आप पेपर देने वाले हो फर्स्ट सेमेस्टर का ही, तो ये पेपर जरूर देख के जाना, क्योंकि आपको अब मिलेगा अगले भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को सेम टू सेम। आप यूपी के किसी भी से हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर बन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए पेपर हैकर को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। अब यहां देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे जो बोल रहा हूं उसको समझ लो, क्योंकि मैंने आपको 2022 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे कि भाई जो क्वेश्चन पढ़ के चले जाना वही क्वेश्चन छपे हैं, आप देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर वही छपा है। और मैं आपको बता दूं कि 2023 में भी आपको आने वाले क्वेश्चन दूंगा, 2023 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में छपेंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को याद करके चले जाना। यहां देखो बोला गया है कि आपको यहां जो बोला जाए, यहां देखो ध्यान से, यहां जो आपको 3 घंटे में 75 नंबर का पूरा पेपर हुआ है, ठीक है। पेपर ये मेरठ यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से लेकिन पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैसेज कर देना, आपको लिंक मिल जाएंगे। और हाँ सुन लो, 2023-24 वालों पेपर देने से पहले ये पेपर जरूर देख लेना, मेरठ यूनिवर्सिटी वालों हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की यदि बात करने वाले हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको कौन कौन सा पढ़ना है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, देखो लॉ जियोलॉजी में हमको पढ़ना है, देखो 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। यहाँ बोला गया अटेंड ऑल 5 क्वेश्चंस, कोई 5 क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, कह रहा है इच कह रहा है जो क्वेश्चन आप कैरीज बोला गया 3 नंबर्स, मतलब 3 मार्क्स का आपको मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, आपको मिलेंगे पूरे 15 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आप कर देते हैं। और आपको कह रहा है अधिकतम जो संख्या है, देखो किसी किसी यूनिवर्सिटी में 50 शब्दों में आंसर बोलने के लिए बोल रहा है कि 50 शब्दों में लिखो, और मेरठ यूनिवर्सिटी में 75 शब्दों में लिखा, बात वही है, 75 में लिखो 50 में लिखो पूरा में नंबर मिलेगा, या क्वेश्चन बड़ा थोड़ी लिख सकते हो। अब यहां देखो क्वेश्चन को देख लो क्या क्या है 3 नंबर में, ठीक है। अब यहां देखो बोला गया है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की बात करें, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, पूरा 3 नंबर का फंसा है, लगा लो, विश्वास ना आए तो जाओ हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर देख लो, हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पे टिक करना, नीचे चले जाना, ठीक है। पूरे नोट्स और एमसीक्यू और उनकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब paperhacker.in पर जाएंगे तो भी आपको वहां मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखे हैं, जाके देख सकते हो। यहाँ देखो पेरोक्सिसोम पर टिप्पणी, पूरा क्वेश्चन भाई आए हैं, जो क्वेश्चन हमने पूरे लिखवाए थे पूरा क्वेश्चन भाई आए हैं, पेरोक्सिसोम देख लो भाई। आपको देखो कह रहा है अपूर्ण प्रभावता का नियम, पहले आके देखो भाई वो वाला क्वेश्चन आया है कि मेंडल के नियम याद कर लेना, तीनों नियम अपूर्ण प्रभावता का नियम, वो आ गया विषय में बताइए, पूरा भाई क्वेश्चन फंसे हैं, देखो 9 नंबर यही छप गए पूरा भाई, जो हमने बताया ना कि छप रहा है क्वेश्चन तो भाई आया है, देख लो विश्वास ना आए देख लो, विश्वास को आपको करना पड़ेगा, वीडियो देख सकते हो, जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हो, प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ यहां देखो। और नया हमारा चैनल खोला है, ठीक है, खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बहुत न्यू चैनल है, अभी सभी लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। यहां देखो क्या बोला, सूक्ष्म जो नलिकाओं है, सूक्ष्म नलिका किसे कहते हैं, और सूक्ष्म तनु तनुताओं में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब कि आपको बोला गया है जो माइक्रोट्यूबल और माइक्रो जो फिलामेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना था, तो ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दीजिए, नीचे पहुंच जाइए। यहां बोला गया है कि विषाणु एवं जीवाणु के मध्य अंतर आपको बताना, मतलब विषाणु कौन कैसे होते हैं, वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है, इन दोनों में आपसे अंतर पूछेंगे, बोला है पूरा देखो क्वेश्चन भी फंसा है। अब यहां देखो उसमें बोला गया है साथ में आपको साथ में कुछ विषाणु एवं जीवाणु जनित बीमारियों के नाम बताने, मतलब कि विषाणु से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वायरस से कौन कौन सा रोग हो जाता है, जीवाणु से कौन, जैसे जुगाड़ से जुकाम बुकाम हो जाती है, ये जीवाणु द्वारा होती है, वायरस द्वारा क्या होता है बेटा, वायरस द्वारा जैसे हमारे पोलिया का वायरस होता है, होता ना होता पोलिया, पोलिया हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे आपको बीमारियों के नाम लिखना था, बस कुछ नहीं था। 3 नंबर पूरा क्वेश्चन फंसा है, देख लीजिए यार, जो हम बताते हैं वही पेपर में छपता है, इस बात को आपको यकीन नहीं, विश्वास नहीं, बल्कि प्रूफ करके दिखाते हैं हम लोग, प्रूफ है यार भाई तुम्हारे सामने, देख लो। अब यहां देखो सेक्शन नंबर पूरा देख लो, शॉर्ट आंसर टाइप आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्न है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के जितने छात्र हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहां देख लीजिए 200 वर्ड में आपसे बोला गया लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चनों को, वेरी शॉर्ट सॉरी शॉर्ट क्वेश्चनों को 7.5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 3 क्वेश्चन में से कोई 2 अटेंड करिए 7.5 नंबर मिलेंगे आपको, पूरा देखो 15 नंबर के होने वाले हैं। अब यहां देखो 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहां देखिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन मतलब 3 में से 2 क्वेश्चन अटेंड करने बोल रहा है, तो यहां देखो बोला गया ऑक्सीड जो डेटिव फास्फो
राइलेशन क्या होता है, ये आपसे बोला गया है, और उनके विस्तार, पूरा क्वेश्चन फंसा है। देखो भाई क्वेश्चन यार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपत्ति की बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हमने क्वेश्चन दिए भाई। यहाँ देखो वंशागति विशेषण क्या होते हैं, पूरा क्वेश्चन भाई आया है देखो क्या होते हैं, और फैमिली ट्री चार्ट का वर्णन कर दिया, टी चार्ट के लिए मैंने नहीं बताया था, जो फैमिली ट्री चार्ट होता है इसके बारे में नहीं बताया था, छोड़ दीजिए इसको। देखो राइबोसोम की संरचना है, उनके कार्यों के बारे में, पूरा क्वेश्चन फंस गया, 7.5 नंबर का ये, 7.5 नंबर का ही, 15 नंबर का फंसा है, समझ रहे हो, एक क्वेश्चन 3 नंबर का छूटा है, बस वो हम बाद में बताएंगे। अब देखो 3 क्वेश्चन आपके अटेंड करने हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं, किन्हीं 3 क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब कि 45 नंबर के पूरे हो जाएंगे। अब नीचे जाइए बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया है कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, भाई देखो प्लाज्मा मेंबर की संरचना, कार्य विस्तार की ये चंचित वर्णन करिए, पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का फंसा है, विश्वास ना आए तो वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कहीं बाहर नहीं जाना आपको, दूर नहीं जाना। यहां देखो यहां बोला गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा सबसे ऊपर, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, पेपर में भाई छपे हैं, लीक हो गया पूरा पेपर, देख लो। अब यहां ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, या फिर paperhacker.in पर भी जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा, आप वीडियो देख लेना, विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर हैकर आपको विश्वास नहीं, प्रूफ देता है, ठीक है। अब यहां देखिए मेंडल के, यहां कह रहा है मेंडल के अनुवंशिकताओं के नियम का उचित उदाहरण की सहायता से, देखो मेंडल के अनुवंशिकता के नियम, पूरे नियम भाई आ गए ना मेंडल के नियम के बारे में, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है, 15 नंबर के देख लीजिए, तीनों नियम आपको बताने हैं। गुणसित व्युत्पन्न क्या होता है, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है, देख लो, गुणांक सही संरचना तो व्युत्पन्न क्या, उदाहरण क्या, पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का। देखो ट्रिप्नोसोमा क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा की संरचना, ट्रिप्नोसोमा जीवन रोग, क्वेश्चन वही बताया, तो क्वेश्चन हमने बताए थे यार। देखो समसूत्री विभाजन, देखो ये कोशिका विभाजन में होता है समसूत्री और दोसूत्री विभाजन, पूरा क्वेश्चन 15। अब आप करोगे कौन सा, मैं तो ये कह रहा हूं, अब देखो पूरा क्वेश्चन जो आपका था वो मैं आपको बता दूं, 75 नंबर का था बेटा, कितने का था, 75 नंबर का पूरा पेपर था, जिसमें से 3 नंबर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं फंसा है, मतलब कि 72 नंबर का फंसा है। अब 72 × 100 बटे कितना कर रहा है, 75, भाग कर दीजिए, आपके सामने आपकी प्रूफ मिल जाएगा। मैं जस्ट मोमेंट करता हूं अपने फोन से, अब आपको क्या करना है, फटाफट आपकी परसेंटेज देखनी है, 7200, देखो क्या करना है, 7200 को आपको करना है भाग 75 से, आपके सामने 96.6% फंसा है। आपको मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज हमने झंडा गाड़ा है, वो भी मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर, सबसे बड़े टॉपर स्टूडेंट की बात करने वाला हूं। तुम टॉपर बनना चाहते हो ना, तो पेपर हैकर को आप सब्सक्राइब करो, बस यही कहूंगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, और दोस्तों को शेयर नहीं, साथ ही साथ एक नया चैनल जो खोला है खिलाड़ी भाई XYZ, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।